चरखी दादरी में उद्घाटन समारोह में पहुंची भाजपा नेत्री बबीता फोगाट किसानों और खाप नेताओं की हुंकार में ऐसी फंसी कि उन्हें पिछले दरवाजे से भागने पड़ गया। जी हां, दरअसल सीएम खट्टर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दादरी जिले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे। इस मौके पर लघु सचिवालय में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में बबीता फोगाट भी पहुंची थी, लेकिन बबीता फोगाट के आने की जैसे ही भनक लगी, किसान संगठनों और खापों ने तुरंत बैठक बुलाई और विरोध करने का फैसला लेते हुए लघु सचिवालय पहुंच गए। हालांकि इस दौरान किसानों और खाप नेताओं को पुलिस प्रशासन ने लघु सचिवालय के बाहर ही रोक लिया था, लेकिन बबीता फोगाट सामने के दरवाजे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकी, लिहाजा उन्होंने अपनी गाड़ी पीछे के दरवाजे से निकाली। इस दौरान उन्हें मीडिया से दूरी बना ली। आज जैसे भाई सरोजा के खाप होगा देश के सभी तमाम बुजुर्गों ने, सारे किसान संगठनों ने मिलकर आज विरोध दर्ज करवाया, काली झंडी दिखा के और काली पट्टियां अपने हाथों के बांध के विरोध दर्ज करवाया। और यहाँ पे बिल्कुल शाम हो जाती, यहीं पे बैठे रहते, इस गेट से वो नहीं आई, वो दूसरे गेट से चली। बता दें कि बबीता फोगाट का विरोध करने लघु सचिवालय पहुंचे किसान पूरी तैयारी के साथ में काले झंडे लेकर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि बबीता फोगाट पिछले दरवाजे से भाग निकली तो विरोध करने की उनकी मंशा धरी की धरी रह गई। हालांकि इसके बावजूद भी किसानों ने काफी देर तक वहां नारेबाजी की, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के कारण किसान अंदर नहीं जा सके और आखिरकार उन्हें वापस लौटना पड़ गया। चरखी दादरी से नरेंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।